बहुत अच्छा किया आपने कैसर खा को साथ ले गए कमाल आदमी है सारा दिन हमारे साथ रहा है अजय अब जी कैसे तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो बंदा है दे। देखो ना तेरा बुजुर्गों का आदम करता है तो फिर मौरा ने कर्म तो करना ही होता है ना अब्बा जी काम का बताएं कुछ बना कि नहीं दे आए हैं दरख्वास्त वे ऑफिसर ने कहा है वो कल सहन कर देगा हफ्ता दस दिन में चेक आ जाने खान साहब का मिलने का पांच लाख का पुत्र अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो मेरी बच्ची बड़ी खुश खुश वापस आई है लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है ना इस घर के बाहर तो दिन वैसे भी अच्छे ही गुजरते हैं ओए चुप कर सही कहा ना मैंने सही तो कहा है लेकिन इनके सामने तो ना कह होता है बाकर खा ले यार वैसे ये ना इस घर का सीन बिल्कुल बेस्ट है कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी खा लेते हैं हां ऐसे ये रात तो खाते हैं फिर सो जाते हैं फिर इनको नींद में भूख लगती है और ये उठते हैं फिर कुछ खा के फिर सो जाते हैं सुबह उठने पे दोबारा भूख लग जाती है <laughs> और दानिश ज्यादा बातें ना बना जिन्ना तू है ना ऑनलाइन है आहो हां पुत्र और वैसे भी जब जो दिल करे ना खा लेना चाहिए जिंदगी का कोई पता है ये ये क्या है ये क्या है आप क्या कर रही हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी है बुलाओ का एंटी वायरस ओए चुप कर जा धारा तेरी नजर उतार रही है ये ये नहीं खाले बाकर खाने मैंने नहीं खाई ये तो बहुत अच्छा हो गया भाजी मैंने भी प्रोड्यूसर से बात कर ली है वो कह रहा था दुबई से वापसी के बाद एडवांस दे देगा मुझे बोल बोला खाजी कितने को पैसे दे देगा वो अब्बा जी रेला ने भी अपना जेवर दे दिया एडवांस और जेवर बेच के कोई साढ़े तीन चार लाख रुपए बन जाएंगे और रेला ने अपना जेवर दे दिया हाँ जी अब भाजी वो कहती है सारा को मैंने अपनी बेटी का है और माओ का जेवर हमेशा अपनी बेटियों को ही काम है और यार ये रेला बहुत चंगी थी है मेरी माला ने इसे बड़ी खुशियाँ दे दी है जब से सारा आई है ना ये उसका ख्याल रख रही है राब ने बड़ा कर्म कर दिया इस पे यार ले जी खान साहब बैठे बैठे जो साढ़े आठ नौ लाख तो यही हो गया अबाजी वो मेरा दोस्त नहीं था मिलाल मुझे साथ रहता था आज वो एक हाथ से क्रिकेट खेलता था हाँ जी उसका ना काम बड़ा चलने लग गया है मैंने भी उससे पैसे मांगे हैं वो कह रहा था दे देगा और आफरीन ने भी कुछ जमा किए हुए वो भी उसने मुझे दे दी हैं और सास में वो बासित भाई से ना अपना हिस्सा भी मांग रही है घर का ओ यार वो बासित बुरा ही ना बुला रहे नहीं बुरा क्यों बनाएंगे वो तो पहले से कह रहे थे कि घर बेचना है हमेशा यही कहते हैं आफरीन को उसका हिस्सा देना है देखो यार एक ही दिन में सारे मसले हल हो गए सारी रात परेशानी में जागता रहा हूँ रहने दे खान साहब आपके खराटे तो दूसरे मोहल्ले तक जाते हैं ज़ारा एक बात तो बताओ क्या इस्लामाबाद में तुम्हारा अपना अलग कमरा था अपार्टमेंट था हमारा एक पर मम्मी और मेरे कमरे अलग अलग ही थे बीच में एक बाथरूम था वो लेकिन लाउंज के बीच में था अच्छा तो कमरा कैसा था तुम्हारा छोटा सा था वेरी मिनिमलिस्ट uh, 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 क्या क्या था उसमें क्योंकि छोटा था तो मैं ज़्यादा स्टफिंग नहीं करती चीज़ों की मुझे अच्छा नहीं लगता सफोकेशन होती है एक छोटा सा बेड था राइट साइड पे एक साइड टेबल थी उस पर छोटा सा लैम्प था और सामने एक वॉड्रोप था इट्स फ़नी क्योंकि मुझे याद है मम्मी ने अपने लिए बनवाया था पर मुझे दे दिया था और राइट साइड पर एक स्लैब्स uh, लगी होती ना वैसे एक बुक शेल्फ सी थी और वहाँ पे मेरी बुक्स थी और मम्मी और मेरी तस्वीरें थी और ए एक छोटा सा कप मिला था ट्रोफ़ी टाइप होती जो स्कूल से वो भी उसे फिर रखी थी मैंने और ऑन द लेफ्ट साइड एक साइड टेबल भी थी टीवी uh, था तुम्हारे तो कमरे में हाँ था और uh, वो था वो क्लीन वॉल टू वॉल क्लीन नहीं था रग um, था बाथरूम के बाहर पड़ा था रग वो क्या होता है रग, लाइक like, uh, दरी <laughs> <laughs> आप दोनों तो तेनों पूछ रहे हो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही हाँ. <laughs> असल में ना मेरी भी ऐसी बिल्कुल मुझे भी वो क्या मिनी मिनिमलिस्ट वही हाँ, <laughs> मेरी भी वही, सेम उ

दो जमा तीन हो गया पाँच और छः जमा सात हो गया तेरा एक हाथ से ये फिर गलत हो गया दिखा दो तीन पाँच सात सोलह से एक ठीक तो, तो है अच्छा आ, के कितने पुत्र जी अब्बा जी अगर सारों के पैसे आ जाए ना तो ये कुल मिला के बनते हैं सोलह लाख साठ हजार रुपया पुत्र लाख अब्बा जी लाख खान साहब इन्ने पैसे में तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा करना नवे से बना लेते हैं जा यार अबा जी मेरा ख्याल है कि एक की बजाय दो कपड़े बना लेते हैं मैं कहता हूँ अब्बा जी वो मेरा रिक्शा छोड़ के ना जो पैसे बचेंगे वो गाड़ी में डाल देते हैं आफरीन को बड़ी पसंद है गाड़ी मेरा मतलब वो जारा ने यूनिवर्सिटी जाना होता है ना तो उसको उसमें छोड़ने जाऊँगा यार देखो बैठे बैठाए मौला ने कर्म कर दिया इसे कहते हैं पुत्र जी रब जब देता है तो छप्पर मार के देता है सुभान अल्लाह बाजी जी लाख रुपए की गल की जे लाओ पुत्र जी ये भी लाख में पाओ पाओ जी पाओ सोलह साठ सतारा साठ सतारा साठ अल्हम्दुलिल्लाह वाह 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 बड़ी हिम्मत है हम तो स्कूल नहीं पूरा तुम्हारी उम्र में चक्कर लगाया करते थे क्यों वक्त पर बात करने जाते थे उस टाइम पे हीरो बनने का शौक था तो बने क्यों नहीं हीरो वो मैं रोमांटिक हीरो टाइप बनना चाहता था लेकिन उस वक्त एक्शन हीरो का जमाना था तो बन जाते ना हीरो हीरो तो हीरो ही रहता है एक्शन हीरो ही बन जाते हाँ मुझे ऐसो को कौन चांस देता है आज किस छुट्टी होगी लेट ही होगी क्यों वो मुझे जॉब मिल गई ना तो यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहां जाऊंगी जॉब तुमने बाबा जी को बताया कि तुमने नौकरी शुरू कर दी है। नहीं फुद्र। वो फसल सुबह काम करने की क्या जरूरत है हम मर गए क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो हमें बोल हमें बता पुरा एक्चुअली प्रॉब्लम है ना कि मेरे पास दिमाग है और क्योंकि मैं दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरे हाथ पाँव भी हैं पढ़ी लिखी भी हूँ तो अपनी ज़रूरतों के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुझे प्रॉब्लम है बात कर रही है वो मैं तेरा तो नादा हूँ ये सारा घर तुम्हारा अपना हर चीज़ बुथुर तुम्हारे ही है इसमें आद Actually, मैंने जॉब के लिए हाँ भी कह तो को ना कर दो। ऐसे नहीं होता। नहीं जाती मार का ने दे लिए। को भूल गए इतनी जल्दी नाना ने भी काम करके पाल पोस के बड़ा किया ना मुझे दरख्तों से पैसे नहीं उतारे वो पुत्र लाइला की और बात थी उसका तो शोर सर पे था रहा बेटा इसलिए इसे मजबूर है बाहर निकलना पड़ा व्हाट 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 आर यू से आई आर यू सीरियस और दो मतलब मतलब आपको लगता है कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं वो किसी मजबूरी की तहत निकलती हैं क्या उनके मर्द सर पे नहीं होते इसलिए बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए दूसरों का तो नहीं बताओ हमारे घर से औरतें कभी भी काम करने के लिए बाहर नहीं गई तो ठीक है ना जो आज तक नहीं आओ, वो फिर अब हो जाएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है और बेटा तो बात तो नहीं समझ रही वो तो लोग क्या कहेंगे अभी हम इसलिए नवासी को लेके आया गए उसके गुबाई गाय अच्छा इसका भी सलूशन है मेरे पास जब कोई पूछे ना कि वो किचन में क्या देती है तो कहना कि वो पैसे ही नहीं देती किचन के राशन में और जब किचन के राशन में पैसे नहीं आएंगे तो सब्जी नहीं खरीदी जाएगी तो फिर टेक्निकली आप लोग मेरी कमाई का खाना ही नहीं खा रहे ना घर में इतने वर्ष मौजूद है और क्या होते हुए औरत काम करने के लिए बाहर निकले पुत्र कितनी शर्मिंदगी वाली बात है एंड दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट और तो इसी सोच की तो बात कर रही हूं नाना अगर शर्मिंदगी समझेंगे तो शर्मिंदगी वाला काम लगेगा अगर फख्र समझेंगे तो फ़खर वाला काम लगेगा नायला ने तुम्हें इसलिए तो तुम नौकरी करवाए नाना मिया अगर नाइना ने मेरे काम करने पर कभी एतराज नहीं किया ना तो आप में से किसी का कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे काम करने पर एतराज करें ये ले फिक्र ना कर सब ठीक हो जाएगा आप नहीं समझेंगी मामी मैं सब समझ सकती हूँ तो काम करना चाहती है ना मैं भी करती थी शादी से पहले शादी से पहले तो शादी के बाद क्यों नहीं शादी से पहले ही छोड़ दिया था ना क्यों बड़ी लंबी कहानी है शॉर्टकट सुना दे। हाय, स्टेज डांसर थी मैं आफ्रिन डॉल ना करें <laughs> बड़ी दुनिया दीवानी थी मेरी बड़े पैसे भी कमाती थी मैं सलीम जी है ना? वही मिले थे मुझे सलीम बाबू, हाँ। नहीं, क्या हुआ बस छोड़ दिया फिर छोड़ क्यों दिया इज्जत नहीं थी ना इस काम में मैं गई तो एक्टिंग के लिए थी लेकिन किसी को एक्टिंग नहीं चाहिए थी उन्हें डांस चाहिए था फिर मैंने डांस सीखा पता है डांस करना बड़ा मुश्किल काम होता है आसान नहीं होता इतनी मुश्किल से डांस सीखा फिर छोड़ दिया इज्जत नहीं थी ना इस काम में अगर होती तो फिर शायद ना छोड़ती अब दिल नहीं करता डांस करने का उसका क्या है जब मर्जी कर लो पता है जब घर वाले इधर उधर हो जाते हैं ना सलीम जी को डांस करके दिखाते हैं कमरे में, यार मुझे भी करके जब घर वाले इधर उधर होंगे ना मैं तुझे दिखाऊंगी <laughs> यार, आई कांट बिलीव दिस अच्छा एक बात हो हाँ मैंने ना पोलर बनाना है लेकिन मुझे पता है अब जी इजाजत नहीं देंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है पार्लर तो बड़ा अच्छा बिजनेस है इन लोगों को ना औरतों की कमाई खाना अच्छा नहीं लगता मर जाए ये क्या सोच इसीलिए तू तो कह रही हूँ तो पढ़ी लिखी है बाजी को प्यार से समझाने और कायल करने की कोशिश कर तेरी बात ना मान भी जाएंगे और फिर इस तरह मुझे पार्लर खोलने में आसानी हो जाएगी पार्लर खोलने की तैयारी पकड़े हैं सब अंडर कंट्रोल है सच्ची ओए <laughs> <आए। laughs> थैंक यू जा तुझे मैं वो वीडियोस दिखाऊँ अपने डांस की अभी तक फोन में रखी है हाँ मेरे मोबाइल में सेव है तो दिखाए ना मैं लेकर आती तुम्हें मैं वेट कर रही हूँ हाँ। जा जा के लेके आए <laughs> टूट गया तू ट से जाएगा जाएंगा क्यों ने क्या अजीब हरकत कर दी क्या अजीब हरकत की है रही है किसी कैफे में नौकरी करेगी वो हाँ तो इसमें क्या बुराई है सारी दुनिया ही करती है सारी दुनिया करती है तो करती नहीं भला अब्बाजी मानेंगे उसकी नौकरी के लिए चलो पूछा नहीं पर उसने बता तो दिया है ना जी को भी समझना चाहिए जमाना बदल गया अब जमाना खराब भी बहुत हो गया है जमाना शुरू से ही खराब है अच्छा इस जमाने में काम करेगी दो चार पैसे कमाएगी इस खराब जमाने में किसी की मोहताज तो नहीं होगी ना वो औरत ने हमारे खानदान खानदान में में नौकरी की है हमारे में तो किसी मर्द ने भी नहीं की अब्बा जी कौन सा कमिश्नर रिटायर हुए में अब्बा जी के सामने ना कहीं अच्छा नहीं होगा और आपने भी जारा को कुछ नहीं कहना नहीं तो नहीं तो क्या गुलाब जामुन लाऊंगा लांगी मकलोर रोड से ज्यादा शीरा होता है वो तो आप बेटा मेरा नाश्ता तो हो गया बस तुम्हारी देर है मिस मेरी भी आखिरी बाइट है पुत्र ये टिफिन याद से लेकर जाना अच्छा सुनो वो अम्बा जी से बात कर ली किस बारे में तुम्हारी नौकरी की बात करनी ये तो वेरी गुड हो गया अच्छा अब्बा जी इजाजत दे दी नौकरी की कड़ी नौकरी जारा की की नौकरी नौकरी इसको इजाजत दे दी आपने नौकरी करने की। नहीं। नाना मिया वो मैंने आपको बताया था ना कैफे में जॉब मिली है तो आज मेरा पहला दिन है हाँ तो तुम्हें कौन रोक सकता है वैसे भी अब्बा जी के सारे कानून और कायदे ना सिर्फ हमारे लिए ही है और ठीक है मामू फिर चलते वो मैं आपको कैफे से फ़ोन कर दूंगी तो आप शाम को मुझे पिक कर लेना ज़ारा पुत्र वो ना कल से तुम्हारा टिफिन भी डबल कर दूंगी इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ अब तुमने नौकरी शुरू कर दिया तो रात तक तो भूख लग जाती होगी तुम्हें देखिए मामू नाना मियाँ मैं जाऊं हेलो वेलकम वेलकम। सलाम हाउ आर यू वेरी गुड आप टाइम पे हैं आपको क्यों लगा कि मैं टाइम पे नहीं आऊंगी असल में मेरे अलावा कोई टाइम पे आता नहीं ना इससे मुझे आदत हो गई <laughs> और वैसे भी आर्टिस्ट तो सवाब समझ कर लेट आते हैं। मैं एक्चुअली टाइम पे आती हूँ बहुत अच्छे तुम बहुत आगे जाओगी। कितना <laughs> तो चलो, तुम्हें मिलवाते हैं सबसे। ओके, लेट्स गो। कहाँ जा रही हूँ आपने कहा तो के सबसे मिलते हैं तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं दीवार पर टंगे हुए हैं सारे मिल लो यू आर सो फनी ये मैं हूं हुँ? ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी पार्टी हो रही थी अली अहमद जौहरी मैंने डिजाइन पढ़ा हुआ है ये कैफे मेरा ही डिजाइन किया हुआ है कॉलेज के दिनों में शुरू किया था और शुरू में ही दोस्तों ने यहाँ परफॉर्म करना शुरू कर दिया हुँ? और फिर देखते ही देखते ये कैफे इस शहर के यंग आर्टिस्ट का घर बन गया विकी राइट यस विकी उसको भी अपना पहला ब्रेक यही मिला था और ये रोमान है इससे तो आप मिल चुकी हैं भूलेंगे भी नहीं एंड दैट इज कबीर द ग्रेट जो हमारे कैफे में ही पाए जाते हैं लेकिन काम वाम कोई नहीं करते दिस इज सच ए नाइस फोटो हाँ हमारी पहली एनिवर्सरी की है तो बस पहली और आखिरी सेलिब्रेशन थी है। कबीर यहाँ ही प्ले करता था हम्म कबीर वाज़ अ लेजेंड ये सारा अंडरग्राउंड सीन उसी ने शुरू किया और इस तो सीन में कबीर और विकी साथ है सो दैट मीन्स देयर फ्रेंड्स ना आई थिंक काफी तारुफ हो गया मां टेक अ सीट आपकी वही रूटीन की चीजें जो मैंने आपको बताई थी आर्टिस्ट की स्केड्यूलिंग करनी है उनके इवेंट्स लाइन अप करने हैं आपस में कोऑर्डिनेट करना है राबिया को मैं बता दूंगा वो तो मैं गाइड कर लेगी और उसके अलावा कोई जरूरत हुई तो मैं भी अवेलेबल हूँ वेलकम टू कैफे बाय चांस कैफे बाय चांस और मिर्ज़े क्या हो रहा है हो रहा था इंतज़ार बेशुबार हम मिर्ज़े अगर तू मुझे मेरे स्कूल के टाइम पे मिला होता ना मुझे बड़ी आसानी हो जानी थी मुझे ना वो नहीं आती थी वो कहते हैं ना सलेस उर्दू और वो भी नहीं पता चलता था कि शायर इस शेर में क्या फरमा रहा है शायर के ख़्याल को समझना तुम जैसे कूड़मखस के बस की बात नहीं उसके लिए तो मताले मुशाहिदे और क़ की ज़रूरत होती है चाहे ये सारी चीज़ें खुद शायर के पास ना हो इंतहाई नामाकूल इंसान हो तुम भाई हमें आमद हो रही थी और तुम इस तरह से आकर हमारे तखय में मुखिल हुए हो और जा दफाओ मैं अपनी छत पर खड़ा होकर काम कर रहा हूँ मैं कहा तेरे तखैल में मुखल हुआ वैसे ये होता क्या है कहा नुम जैसे कूड़गज़ की बस की बात नहीं इसे समझना लेकिन तू ये बात समझ ले कि जितनी भी धूप सेकनी है ना उत्तर सेक ले फिर तेरे नसीब में ये सूरज नहीं रहना क्यों सूरज कहीं छुट्टियों पे जा रहा है छुट्टियों पे नहीं जा रहा तेरी ज़िंदगी का सूरज गरूब हो रहा है फिर सिर्फ़ अंधेरे ही तेरा मुकद्दर होंगे आए 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 क्या अच्छी बात की आज मैंने भी क्या बकवास की है बकवास नहीं अच्छी बात की है दाद दो मुझे हाँ शायर से दाद लेना इतना आसान काम नहीं अच्छा ऊपर मैंने तो टिक टॉक पे देखा है वहाँ तो उठ उठ के चुमिया दे रहे होते हैं क्या बेहूदगी है ये हाँ है तो बेहूदगी लेकिन साढ़े मेरा क्या ताल्लुक मुझे बड़े काम है तू तो वेला है मैंने अभी जाके बजरी सीमट सरिया ईंटे सारा कुछ लेना है, मैं जा रहा हूँ क्या रुको 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 कैसे मतलब हमने तो सुना था कि जहाँ कमरा तामीर नहीं हो रहा हाँ कमरा तो तामीर नहीं हो रहा अब यहाँ डबल स्टोरी बिल्डिंग बनेगी लेकिन कैसे गरीब हो अब गरीब नहीं लाखों रुपए आगे हैं अब तो छत पे डबल स्टोरी अमारत बनेगी और हम ऐसे ऊपर से ना नीचे तुझे देखेंगे अगर तू नजर आया तो लेकिन ये ठीक नहीं हाँ ठीक तो नहीं है मेरा भी यही ख्याल था कि जब इंसान के पास पैसा आ जाए ना तो इलाका ही बदल लेना चाहिए डिफेंस में शिफ्ट हो जाना चाहिए देख के ही अंदाजा हो गया था कि अपनी जैसी कोई बुरी खबर लाए हो बगवास नगर मिर्जे हमारा घर तामीर हो रहा है तुझे बुरी खबर लग रही है और इस नई तामीर में कितनी आसें कितनी उम्मीदें कितनी मुलाकातें दफन हो जाएंगी हम कौन सा कब्रिस्तान पे घर बना रहे हैं ये गहरी बातें तुम नहीं समझोगे ये मुश्किलें तो हर शायर का मुकद्दर रही हैं शायद मुझे भी इस दौर से गुजरना है अच्छा मिर्जा नौशाद साहब आप गुजरे इस दौर से लेकिन ध्यान से कहीं गुजर ही ना जाना बट साहब आप सिर्फ पेमटें पकड़े हैं पंद्रह तारीख से फैसलाबाद में लगा रहे हैं शो हाँ जी हाँ जी वो अंबर शज़ादी की डेटें अपने पास ही हैं अभी है तो ना उसको गाड़ी लेके दी घर ले के दिए आप बेफिक्र जाए सलाम साहब यार ये क्या शिकायतें आ रही आपकी क्या हुआ मोल साहब आप बताओ क्या हुआ इश्कील मुन्ना गौरी और नासिर जो है उनके साथ क्या रोला है आपका वो कह रहे हैं आपने स्टेज पे पब्लिक के सामने उनको गालियां दी हैं साहब आप भी उनको समझाएं आप उनको कहते भी हो मेरा वीर ख्याल कर मुझे शर्ट लग रही है वो आपकी सुनते ही नहीं है मलक साहब मैं उम्र भी उनसे बड़ा हूँ उनको कुछ तो लिहाज करना चाहिए मेरा स्क्रिप्ट में था कि आपको मारना है नहीं मलक साहब अच्छा गेटअप क्या था आपका अकबर बादशाह का

घर पे काम शुरू कर दिया मुझसे पूछ के शुरू हुआ घर पे काम या मेरे घर पे काम शुरू हुआ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये पैसे हमको लूट के थोड़ी लाते हैं कि जिसको मर्जी बांटते फिर मोरख साहब आपने खुद ही तो कहा था और खुद कहा था तो बुला लूंगा खुद ही जब देने होंगे चलो जाओ काम करो अपना शिकायतें ना आए अब

फर्स्ट डे था तो बस इंट्रोडक्शन हुआ मतलब काम करती क्या वहाँ पे ये -पे पेपर वर्क वगैरह ऑफिस वर्क होता है ना वो ही है तनख्वाह कितनी को दे रहे हैं मुनासिब दे रहे हैं गुजारा कर लूंगी मैं अपना तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे मैंने तुमसे पैसे ही मांग लेने हैं पूछ ही रही हूँ मांग तो नहीं रही ज़रा पुत्र ये दूध पी ले पुत्र तूने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी है अपना ख्याल रखा कर वरना बीमार हो जाएगी दूध याद से पी लेना अच्छा मिला पुत्र पता नहीं कौन सी गिद्ध सिंह ही है इसके पास तो से है सारा टब्बर ही पागल हुआ फिर ये समझते हैं कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर यहाँ पर आई और उन्हें यही समझ खान साहब थिएटर की बिल्डिंग तो वावा बनाई हुई है हाँ बस वो तरफ बिल्डिंग ही रह गई है मुझे तो बहुत अच्छी लगी एक अलग ही दुनिया थी उसकी पाओत अफसर उठगे तो फिर काम नहीं होगा हमारा खान साहब आप जब भी जाएंगे ना आपका काम हो जाएगा सब इतनी इज्जत करते हैं आपकी आपको क्या फिक्र है अरे पुत्र इज्जत तो सारे ही बड़ी करते हैं मगर वो चिपड़ा से अंदर नहीं जा रहे देता पुत्र फिर अपने काम के पीछे खुद सा पड़ता है ऐसे खान साहब पिछली बार जब हम सरकारी दफ्तर गए थे तो वहाँ ना मर्दों के साथ औरतें भी काम कर रही थी कितनी सोनी लग रही थी ना अभी बोला उधर औरतों की तरफ देखते हुए नहीं मैंने तो सिर्फ जो है ना वो बावरची खाने में काम करते देखा है ना औरतों को ऐसे दफ्तर में पहली बार ही देखा कैसे वो टेबल कुर्सी लगा के टिक 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 करके कंप्यूटर पे काम कर रही थी और अफसरों की तरह कैसे फैलों पर सहन कर रही थी आपको अच्छी नहीं लगी नहीं ये पहले होती है बेटा नहीं, नहीं नहीं वो बात नहीं है दुनिया बदल गई है अब अब औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं अच्छे लगते हैं या है शिविर तो करो चादर बंदात चलना है मेरे चादर का हाल ही रहे नहीं चलना क्यों नहीं है जरूर चलना चल फिर मूड नहीं है काट दी अमरूद खुद खा लो नहीं पहले आप खाएं फिर मैं भी खा लूंगी झूठी दुनिया तो इसमें का क्या कसूर है नहीं करना काम तो साफ बोल दो झूठी उम्मीद क्यों दिलाते हो बोली करा दी ना उसने अब फोन नहीं उठा रहा होगा तो तुम्हें कैसे पता उसने कहा था ना कि काम हो जाएगा मुझे उसी दिन शक हो गया था खैर दुकान पे गए थे उसकी दुकान पे घर पे मिल ही नहीं रहा और अब फोन भी नहीं उठा रहा नहीं देने पैसे तो ना दो लेकिन सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे बासुत भाई की भी कॉल आई थी कह रहे थे कि भाभी ने घर में लड़ाई डाल दी मकान की अच्छी कीमत नहीं लग रही इसलिए अभी नहीं घर बेच सकते मतलब मतलब ये कि अभी पैसे नहीं है अभी हिस्सा ना मांगू बल्कि कभी भी ना मांगू अगर दोबारा पैसे मांगे तो उनके घर में भीख नहीं मांग रही थी मैं उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी वैसे भी वो घर मेरी कमाई से ही बना था मतलब वो पैसे भी नहीं है और भी कोई पैसे नहीं है बताने की बजाय तू यहां अमरूद काटे जा रही है तो इसमें अमरूद का क्या कसूर है खुद ही तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है फिर आप क्या जो पैसे पॉलर के लिए इकट्ठे किए थे अब बाजी को वही दे देते हैं और क्या कर सकते ओ बुजुर्गों जाओ बाहर बैठो मेरे सर पे तू सवार है आपने शायद इनको पहचाना नहीं है अमीर खान साहब हैं ये ये अमीर खान साहब हैं या गरीब खान साहब मैं क्या करूं बादशाह जी वो एक दरखास्त दी हुई है जी यहाँ ढेर लगा पड़ा है दरखास्तों का हम यही काम कर रहे हैं मेरे सर पे सवार होने से कुछ नहीं होगा आप लोग बाहर जाएं हाँ लेकिन कुछ तो बता दें कि कब तक हो जाएगी मंजूरी ओ भाई मैं क्लर्क हूं ये अफसरों को पता कब होगा तो सर जी फिर वो डायरेक्टर साहब से ही मिलवा दें बहुत अच्छे वो वेले बैठे हुए हैं आपसे मुलाकातों के लिए बेटा जी दो मिनट की जरूरत बात कर दी जाए यार ने बाहर लेके जाओ दिमाग ना खराब करो वो पुत्र सुबह के बाहर ही बैठे हुए हैं आ दो तो मेरे सर कौन सा आसान है अपने काम के लिए बैठे हो ना जाओ बाहर